नमस्कार गाइस, मैं हूं प्रकाश और म्यूजिक दुनिया सारेगामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, जो हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि शुरुआत में उनकी फिंगरिंग थोड़ी स्लो होती है, मतलब उंगलियां फंसती हैं और फास्ट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, इसी के टॉपिक पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको इसमें मदद मिल सके, और निश्चित रूप से मदद आपको मिलेगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपने करना क्या है, बस ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, आप पूरी वीडियो देखें। करना क्या है, दो तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक, अपने एंड्रॉयड फ़ोन या मोबाइल फ़ोन में से प्ले स्टोर से कोई भी एक मेट्रोनोम बीट्स वगैरह या रिदम वगैरह के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और छोटे स्पीकर की मदद से, या तो मोबाइल में भी उतना साउंड है तो उससे भी चलेगा। मैं साइड से थोड़ा किसी स्पीकर से या किसी होम थिएटर के माध्यम से आप उस आउटपुट से उसका वॉल्यूम बढ़ा के निकाल सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल के उससे भी काम चला सकते हैं, अंदाज़ा लग सकता है उस साउंड से भी। तो आपने उस मेट्रोनोम पे अलग अलग स्पीड पर, मतलब अलग अलग रिदम पर, स्लो से लेकर, जैसे मैं अब शुरुआत करूँगा यहाँ पे, जो नए हैं आपको दिख रहे हो अंकों में दिख भी रहा होगा, मैं 80 से शुरू करता हूँ, 80 का टेम्पो है इसमें। ये बॉस, एक मिनट को, ये 80 का हो गया, टक टक। तो शुरुआत करें आप जितना आप कंफर्टेबल हो, जैसे गाइस, स्पीड प्राप्त करने के लिए आपने उंगलियों को उठा उठा के रखना है, ऐसे लटकाते हुए नहीं चलना है ऐसे करके। ये इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी, जब आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तब, लेकिन फिलहाल जब आप रखेंगे तो ऐसे ऐसे उंगली को एक एक बीट मारते हैं, जैसे हम बीट मारते हैं टक टक टक, ऐसे आपने बिल्कुल भी इस पर रखना नहीं है। अब गाइस, जैसे टेम्पो और बढ़ा लेते हैं, मैं इसका टेम्पो कर लेता हूँ 80 से 160 डबल कर लेता हूँ। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है, इतना हो गया, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे पता है। अब चाहे तो आप इसका दुगुन भी कर सकते हैं, यानी कि एक पर डबल बीट लेकर, मतलब डबल प्ले कर, अगर आपका स्पीड आप इसी का आप बोलते हैं दुगुन आप कर सकते हैं, जैसे 160 का टेम्पो फिर वो 320 का हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सिंगल बीट रहेगी, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ गाइस, जैसे इसका टेम्पो मैं 250 कर लेता हूँ, जो इसका मैक्सिमम है। देखो, अगर मैं 300 करता हूँ तो इसका 300 होगा नहीं, 250 ही रहेगा। तो मैं 250 पर प्ले करके बताता हूँ आपको, यानी 250 से ऊपर इसका होता नहीं है इस ऐप का। तो इस पर हम 250 पे प्ले करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने 250 का जो टेम्पो है, ये मैक्सिमम है, इसका दुगुन करना है, तो मुझे लगता है 500 का टेम्पो हो जाएगा दुगुन में, बट हो सकता है कि हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ अपने ऊपर, नहीं होगा, 250 नहीं हो पाएगा, 400 के आसपास तक मैं जा सकता हूँ। तो 400 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 200 का टेम्पो लेना पड़ेगा, 200 का मैं फिर दुगुन करूँगा, ठीक है। ये 200 का टेम्पो क्या देखिए, मैं कर सकता हूँ, मैं 500 करके देखता हूँ 250 का। अब मैं उंगली, जब हम 500 के टेम्पो पे जाएंगे तो उंगली उठाना नहीं है, फिर दबा के ही रखना है, तो ताकि जल्दी फिंगरिंग हो, ठीक है। तो 200 का मैं 250 फुल कर देता हूँ जिसमें है टेम्पो।
मैं 250, ये इसका फर्स्ट स्टेप फुल है। अब मैं इसका दुगुन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। उंगलियां फंसती है, 500 का टेम्पो बहुत फास्ट होता है, लेकिन हम 450 या 400 के आसपास हम कंफर्टेबली कर पाते हैं। जैसे मैं अब 200 लगाता हूँ फिर से और उसको मैं इजीली कर पाऊँगा। अभी डबल हो, तो गाइज अलग अलग टेम्पो पर जो आपकी स्पीड हो उस टेम्पो से अभ्यास करें। अभी थोड़ी ये उंगली गर्म होती है, उसके बाद और फास्ट चलती है। मैंने सुबह सुबह वीडियो बनाई है तो थोड़ा उंगली में अभी दिक्कत हो रहा है, बट ये मेरे लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए है, हम सब के लिए है कि आप जब अपनी फिंगरिंग की स्पीड बढ़ाएं। और मैं तो ये कहूँगा बीच बीच में आप जो तबला अगर ढोलक कुछ भी आप बजाना चाहते हैं, जो जिससे फिंगरिंग वाला काम हो, तो वो भी आप करें, क्योंकि एक अच्छा ढोलक या थोड़ा बहुत ढोलक बजाना जिसको आता हो उसको क्या एक रिदम का एक टेम्पो का एक आइडिया लग जाता है, तो उससे भी उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये प्रैक्टिस तो आप ज़रूर करें जब आपको अगर फिंगरिंग फास्ट करनी है। उंगली बिल्कुल भी ना रखें, जब स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्पो 500 या 400 के आसपास हो, तब आप थोड़ा उंगली रख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से लोग, हो सकता है टेम्पो और भी फास्ट होगा। तो गाइज आज जो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाकर मैंने यही कहना हो कि आप जब भी अपनी फिंगरिंग का अभ्यास करें एक टेम्पो ले लीजिए, मेट्रोनोम टेम्पो पे मतलब बीट उस पर प्ले करिए और उस पर आप अभ्यास करिए। तो उससे क्या आपका एक टाइमिंग का रहता है, जो ड्यूरेशन जो टाइमिंग का जो पीरियड होता है रुकने का ठहरने का, कितना देर मतलब एक स्वर पर रहना है, वो भी परफेक्ट रहता है। नहीं तो आप अपने से बिना उसके करेंगे तो आप सारी कभी सा पे ज़्यादा कभी रे पे ज़्यादा, एक टाइमिंग का जो है ना फिक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रॉपर उस पर मैं टेम्पो पे आप अभ्यास करेंगे तो टाइमिंग का सब कुछ प्रॉपर होता है, आपकी उंगलियों को आपको ब्रेन को उस चीज़ इन चीज़ों का आभास होने लगता है, पता चलता है। तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा आपको जरूर पहुँचाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।